है गाइस, इंडिया में जब से हेलमेट चेकिंग रूल को जो है अप्लाई किया गया है उसी के बाद में हेलमेट का जो डिमांड है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और आपको पता होगा कि हेलमेट जो है दो तरह के आते हैं, एक आता है फुल फेस हेलमेट और दूसरा आता है हाफ फेस हेलमेट। और आपको ये भी पता होगा कि फुल फेस हेलमेट जो है सेफ्टी के मामले में सबसे पहले आते हैं और उसी के बाद में जो है आता है हाफ फेस हेलमेट। बट आज मैं आपके लिए ऐसा एक हेलमेट लेके आया हूँ जिसके बाद में आपको कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये सेफ्टी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है और साथ ही साथ ये जो हेलमेट है ये बिल्कुल भी किसी भी मामले में जो फुल फेस हेलमेट है उससे कम नहीं है, चाहे वो लुक के मामले में हो, सेफ्टी के मामले में है। काफ़ी बढ़िया तरीके का ये हेलमेट है और ये हेलमेट है स्टील बार की तरफ से आने वाला, ये SBA 6, इसका मॉडल नंबर है SBA 6। और ये जो हेलमेट है काफ़ी बढ़िया हेलमेट है और इस वीडियो में मैं आपको इस हेलमेट के फीचर्स और इस हेलमेट के जो प्राइस डिटेल सारे जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा। तो चले गए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, ये जो हेलमेट है ये काफ़ी बढ़िया दिखता है, आप जब इसे पहन के चलोगे रोड पे तो काफ़ी बढ़िया लुक जो है आने वाला है। ये जो हेलमेट है अलग अलग वाइजर और अलग अलग डिजाइन के साथ में आता है, आप चाहो तो सिंपल सा डिजाइन भी ले सकते हो और चाहो तो आप बहुत ही ग्राफिक सा डिजाइन ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग कलर का भी चॉइस है और इसके साथ में आप जो नॉर्मल वाइजर है जो कि ट्रांसपेरेंट वाइजर होता है उसको भी आप खरीद सकते हो और इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका जो फॉर्म है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसको पहनने के बाद में आपका जो लुक है वो किसी भी एक प्रोफेशनल राइडर से कम नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा कि ये एलियन हेलमेट है और इसको पहनने के बाद में एक एलियन जैसा ही आप लगोगे ही। और इस हेलमेट को पहन के आप जब भी बाइक में जाओगे तो कोई भी आपको देखे के चौंक जाएगा। गाइस, इसका जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका क्वालिटी को रखा गया है। अगर मैं बात करूँ इसके वाइजर की क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वाइजर है ये काफ़ी बढ़िया तरीके का ब्रब वाइजर है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉर्मल वाइजर होता है वो कितना ज़्यादा थिन होता है और यहाँ पे ये जो वाइजर है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वाइजर है ये बिल्कुल स्क्रैच रेजिस्टेंस है तो इसमें छोटा मोटा जो स्क्रैच होता है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं और काफ़ी अच्छी तरीके का ये वाइजर है। तो ये इसके लिए इस हेलमेट को जो है एक थम्स अप मिलना चाहिए। गाइस, यहाँ पे इसका अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म के बारे में तो इसमें आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है काफ़ी अच्छी तरीके का इसमें जो है मटेरियल को यूज़ किया गया है और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है कंफर्टेबल के मामले में। इसको आप अगर खोलना चाहो तो इन सारे फॉर्म को जो है यहाँ पे जीप स्क्रू की मदद से जो है चिपकाया गया है तो इसको आप बड़े ही आराम से खोल के जो है इस हेलमेट को साफ कर सकते हो या फिर धो सकते हो और सुखा भी सकते हो। गाइस, अगर हम बात करें इसके डिजाइन के बारे में तो पीछे में आपको ISI का ब्रांड देखने को मिल जाता है, उसके बाद ऊपर में आपको स्टील बार विंग 7 का जो है लोगो देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके लॉक के बारे में बात करें तो हमेशा की तरह स्टील बार ने अपना ही लॉक इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो लॉक सिस्टम है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मैं इसके कंफर्टेबल के बारे में बात करूँ तो गाइस, ये जो हेलमेट है ये हाफ फेस हेलमेट है और इसको आप देख सकते हो ये जो हेलमेट है ये बिल्कुल भी एक फुल फेस हेलमेट जैसा दिखता है। गाइस, अगर मैं इसे आपको पहन के दिखाऊं तो पहनने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी एंगल में ये जो है एक फुल फेस हेलमेट की तरह लग रहा है, काफ़ी बढ़िया तरीके का कंफर्टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके वाइजर को हटा दूँ तो आपको कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो हेलमेट है ये अलग अलग साइज में आता है तो आप बड़े ही आराम से नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके इस हेलमेट को जो है परचेस कर सके अपने घर तक मंगवा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की तरफ से भी आपको काफ़ी अच्छा लुक जो है देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से कॉलर कोडिंग यहाँ पे अपने हिसाब से कलर चॉइस वगैरह करके इसको मंगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हेलमेट है काफ़ी बढ़िया तरीके से मुझे लग रहा है और आप अगर एक हाफ हेलमेट लेना चाहते हो बहुत ही बजट रेंज में और अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड के साथ में तो ये हेलमेट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। गाइस, इसका जो प्राइस है ये लगभग 1500 रुपीज़ में आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट में देखने को मिल जाएगा और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। गाइस, अगर मैं इस हेलमेट का अदर कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एयर जाने के लिए बहुत सारे इंटेक बनाया गया है और जिसके मदद से आपका जो हेयर है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा या फिर जो पसीना वगैरह का जो दिक्कत होता है हेलमेट में उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो है फीचर्स है ना ये बिल्कुल ही काफ़ी गजब तरीके का फीचर्स है और आपको ये जो फीचर है आपको किसी भी बजट रेंज हेलमेट में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे एयर इंटेक का जो सिस्टम है वो किया गया है, यहाँ पे भी किया गया है तो काफ़ी बढ़िया तरीके का यहाँ पे जो जो सिस्टम है वो मुझे लगा। यहाँ पे ऊपर के साइड में भी आपको एक एयर इंटेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप इसे ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया तरीके का ये हेलमेट है बट मैं आपको इसके कुछ कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। आप अगर बारिश के महीने में जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है पानी लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है बट उसका भी एक सोल्यूशन है। इसके साथ में एक किट आता है जिसके बाद में इसकी जो ये जो एयर इंटेक है इसको आप फील कर सकते हो बड़े ही आराम से और जो किट है वो उसको लगाने के बाद में भी काफी बढ़िया तरीके का ये हेलमेट जो है लगेगा। फिलहाल तो मेरे पास में वो किट अवेलेबल नहीं है और मैं उसे ऑर्डर करके मंगा के आपको दिखा दूंगा कि वो किट लगाने के बाद में कैसा लगता है।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, ये जो हेलमेट है कैसा लगा आप मुझे जरूर से कमेंट में बताइए, और आपके लिए अगर ये हेलमेट बेस्ट है तो आप जरूर से इसे बाय कीजिए। काफ़ी बढ़िया तरीके का हेलमेट है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है।